तो गुरु लोग मूवी देख ली है क्रू, लेकिन देख ली है क्यों? खैर पछतावा उतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि बात ये थी कि भाई मडगांव एक्सप्रेस का जो हैंगओवर चढ़ा था, जिसे सोच सोच के थोड़ा सा हंसी ठिटकोले आ ही जाते थे, महसूस हो जाता था, लेकिन भाई इस हैंगओवर की धज्जियां उड़ा के चली गई ये मूवी, क्योंकि जो कॉमेडी के नाम पर इन्होंने प्रॉमिस किया था और जो ट्रेलर से ये इतने ज्यादा डींगे हाँक रहे थे कि भाई हम बहुत कुछ देने वाले हैं आपको, तो बहुत कुछ में से अगर आधा भी कुछ मिल जाता तो मजा आ जाता। तो ऐसा अभी रिव्यू करेंगे, अगर आप भी इसको देखने का मन बना रहे हो तो 2 मिनट का वक्त दे दो, इसके बाद आप खुद तय कर लेना कि देखनी है तो क्यों देखनी है और नहीं देखनी है तो क्यों नहीं देखनी है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आप रेगुलर हैं तो एक लाइक एक सपोर्ट बनता है भैया। बाकी शुरुआत करते हैं, मूवी की कास्ट एज यूजुअल दमदार है, लेकिन भाई साहब मेन लीड पर हमें तबू ही देखने को मिलेंगे, कहने को तीनों ही मेन लीड पर हैं, लेकिन तबू का जो रोल है भाई दमदार है कॉमेडी के नाम पर। देन उसके बाद जो पंचिंग उनकी तरफ से हुई है एकदम टिंच क्लासिक हुई है, लेकिन निगेटिव में यार एक ही बात कहूंगा कि जैसे अचानक ही ऐसा होता नहीं है कि जैसे आपने खूब दारू पी ली देन उसके बाद आपको नींबू चटा दिया और फिर क्या ही मतलब हुआ उस नशे का जिसे आप फील ही नहीं कर पाए। लाइक अभी मैडगांव एक्सप्रेस हमने मूवी देखी भाई, उसमें कॉमेडी जो दमदार लेवल की करी गई थी, देन उसके बाद जैसे क्रू निकाल दिया तो ये नींबू चटाने के माफिक ही काम किया है इस मूवी ने। बाकी इस मूवी की स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो भाई साहब 3 एयर होस्टेस हैं जो हार्ड वर्किंग अपना मतलब जो भी है उनकी तरफ से काम वो फुल अपना 100% देती हैं। कोहिनूर उनकी जो एयरलाइंस है उसमें देती हैं, जो बिल्कुल भी विजय माल्या से जो हिसाब किताब सेट होता है बस वही है, उसी से मिलता जुलता है। फिलहाल उसके बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो हार्ड वर्किंग 3 एयर होस्टेस हैं जो अपना रिवॉर्ड फुल एक्स्ट्रा एफर्ट मार के काम दे रही हैं, लेकिन बाबा उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है पिछले 6 महीने से, यानी उनके जीवन में तनख्वाह नाम की कोई चीज़ होती है ये वो भूल चुके हैं। तो वो अब आते हैं अपने एक सुपर अंदाज में और बस इसी पे मूवी घूमती रहेगी, क्योंकि वो ने प्लेन के पीछे यानी इस बिजनेस के अलावा भी कुछ काम चल रहा है, सोना तस्करी का काम चल रहा है, इन्हें कुछ पता नहीं था। फिलहाल उनके नज़र में ये सारी चीज़ें आती हैं, देन वो प्लान करती हैं एक हाइस्ट, देन वो प्लान करती हैं एक स्पाई, और ये जो सारी चीज़ें उन्होंने प्लान करी है वो बहुत बचकानी थी, क्योंकि भाई साहब हमने बहुत सी ऐसी स्पाई मूवी देख रखी हैं जो अच्छा से प्लान भी करते हैं, जिसे बहुत दिक्कतें भी आती हैं कि उस प्लानिंग को कैसे सक्सेस करें, लेकिन इनके हाथ का हलवा था जो उन्होंने प्लान किया, सब कुछ हो गया इजीली, तो वो ज़्यादा हिट करके नहीं गया है। बाकी कॉमेडी की बात करें तो ठीक है, तब्बू के हिसाब से जो भी निकला है बिल्कुल सिचुएशनल था, जेन्युइन पंच ही लगे, लेकिन थोड़ा सा करीना कपूर खान पे चले जाए तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देखने को मिला है। बाकी ग्लैमर में कोई भी कमी देखने को आपको नहीं मिलेगी, मूवी को यूए सर्टिफिकेशन दिया गया है, इट मीन्स कि आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बॉयज को कॉमेडी और स्टोरी लेवल के हिसाब से इतना ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन हाँ फीमेल जो फ्रेंड्स हैं ग्रुप है भाई वो अलग ही मजे लेंगे, क्योंकि देख के लग भी रहा था जिस हिसाब से हंसी ठिठोले उनके छूट रहे थे। बाकी जो स्टोरी का भूखा है भाई साहब, जिन्हें चाहिए सॉलिड कंटेंट और चाहिए कि जेन्युइन रीजन के साथ ही लॉजिकल प्लॉट बाय प्लॉट आगे बढ़े कहानी, और जब ठीक है आगे कहानी बढ़ भी रही है वो प्लॉटिंग सेट हो गई, तो जब उसको अनवील होगी जब वो अनब्लॉक होगा तो भाई साहब उसके पीछे भी एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, जो सेकेंड पार्ट में जो मैं स्पाई जो मैं चोरी वाली बात बता रहा हूँ और जो बड़ी आसानी से परफॉर्म कर दी गई और इतनी ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं आई हैं, तो भाई ये मूवी आपके लिए नहीं है। हाँ न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ बेस में ही चल रहा है। बाकी मूवी वन टाइम वॉचेबल है, एंड कैमियोज की बात करें तो भाई साहब कपिल शर्मा के नाम से जो मूवी बेची जा रही थी, मतलब ट्रेलर में अच्छा खासा पार देखने को मिला, लेकिन वही बात की ना कि बच्चा जब जिद करता है और आपकी जेब ढीली है तो क्या करते हैं आप, एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और वो खुश हो जाता है, बस कपिल शर्मा के साथ भी ऐसा ही किया गया, मूवी करनी है वो जिद लगा के रहते थे और बस उन्हें मूवी मिल गई और उनका भी काम खत्म। भाई मेकर्स ने अच्छा खासा माइंड गेम खेल दिया उस बंदे के साथ। खैर मैं बहुत उम्मीद में था कि कपिल शर्मा होगा तो ह्यूमर जबरदस्त निकलेगा, लेकिन ह्यू मर चुका था इस पे। बाकी दिलजीत दोसांझ की बात करें तो भाई साहब दिल लूट लिया है जितना भी पार्टी को दिया गया है, और बाकी अपने 3 तो मेन लीड पर हैं जो देखने को मिल ही रही हैं। बाकी तब्बू के लिए आउटस्टैंडिंग है यार, और पर्सनली रिकमेंडेशन यही रहेगा कि भाई तब्बू जी आप बहुत ही अच्छे कॉन्टेंट पर काम करती हैं तो वो लेगेसी बरकरार रखी, क्योंकि ये चीज़ आपकी बेकार भी कर सकती है। बाकी मूवी वन टाइम वॉचेबल है, नहीं देखिए तो जाओ देखो। बाकी अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम खाली है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा है तो उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मूवी दमदार है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय।